बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपका वेलकम कहते हैं। आज का हमारा छोटा सा सेशन है, ये सीनियर ऑडिटर के इंटरव्यू के मुतालिक है। जैसा कि आपको मालूम है कि केस 87/2020 जो है, यहाँ पे 20 है, इसके इंटरव्यू स्टार्ट होने जा रहे हैं। अभी रिज़ल्ट आया था, हमें एक्सपेक्टेडली ये था कि तकरीबन 1 से 2 महीने तो टाइम लगेगा, लेकिन FPSC ने शायद अपने पहले वाले सारे केस निपटा लिए हैं और इसको प्रायोरिटी पर अब फाइनलाइज करने जा रहा है। सो सीनियर ऑडिटर के इंटरव्यू के बारे में ये हमारा आज से हम सेशन जूम के ज़रिए से भी और ऑफलाइन जो लेक्चर बेस्ड कोर्स है उसको भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिनके इंटरव्यू अभी शेड्यूल में नहीं आए, थोड़ी देर के बाद हैं, वो हमारा ऑफलाइन लेक्चर बेस्ड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनका इंटरव्यू अभी शेड्यूल में है या फिर जल्दी से तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, तो उनको हम थ्रू जूम सेशन कंडक्ट करवाएंगे इंटरव्यू। और ये केस 87/2020 का है। इंटरव्यू 7 नवंबर 2022 से स्टार्ट होने जा रहे हैं और इसमें तो जो हमारे कोचिंग करेंगे वो एक होंगी जो है मैम डॉक्टर असमा, वो ऑनलाइन जूम पे क्लास लेंगी, और दूसरा मैं हूँगा जो वक्तन फवक्तन जो मेरा एरिया होगा मैं उस पर गाइडलाइन दूंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और मैडम भी माशाल्लाह से सर्विंग टीचर हैं और फाइनेंस की उन्होंने PhD की हुई है, तो दोनों हम आप लोगों को गाइड करेंगे। और उनका भी सिविल सर्विसेज में एक बड़ा आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस चल रहा है। तो कोर्स की आउटलाइन जो हमने आपके इंटरव्यू में चीज़ों को कवर करना है, जिन चीज़ों को हमने कंसीडर करना है, वो नंबर वन ड्रेसिंग, नॉन वर्बल लैंग्वेज में जो चीज़ें आती हैं या नॉन वर्बल बिहेवियर जो चीज़ें आती, यानी कि क्ल्यूज, आपके इशारे, आपके वो बातें जो इंप्रेशन डालती हैं, वो कैसे आपने हैंडल करनी है। इसके अलावा इंटरव्यू के जो मैनर्स हैं और वर्बल बिहेवियर है, आपने अल्फाज कैसे अदा करने हैं, बात को स्टार्ट कैसे करनी है, रिस्पेक्ट कैसे देनी, वो सारी चीज़ें उसमें कंसीडर की जाएंगी। प्रोफेशनल पार्ट जो है उसमें पेपरा रूल्स वगैरह पे बात होगी और कास्ट अकाउंटिंग के रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन, ऑडिटिंग के मुतालिक हम थोड़ा गाइड करेंगे। तो जो ये लेक्चर्स होंगे उनको अगेन आपको हम एक्सेस देंगे वेबसाइट पर। जो बाकी डिस्कशन होगी वो थ्रू जूम होती रहेगी। इंटरव्यू में बाकी जो आपका इंटरव्यू के मुतालिक पार्ट होगा उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के मुतालिक जो है वो चीज़ें होंगी, जिससे आपका इंटरव्यू में अच्छा कॉन्फिडेंस आप शो कर सकते हैं। इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, उनको आंसर आपने कैसे करना है, ये चीज़ें होंगी। और इसके अलावा इंटरव्यू के पैनल की जो रिक्वायरमेंट है और गुड सिलेक्शन के लिए आपके अंदर क्या चीज़ें, क्या खसूसियात होनी चाहिए जिनको आपको फोकस करना पड़ेगा, जनरल नॉलेज के पार्ट को फोकस करेंगे, इस्लाम के मुतालिक कुछ क्वेश्चंस और करंट इश्यूज़ पे भी बात लेके चलेंगे। तो इसमें जो हमारे यहाँ पे हमने इसमें ऐड नहीं किया, ये नोट्स को अभी इसको छोड़ दें और ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट को भी छेड़ें और इंटरव्यू को इसको छोड़ें। जो स्क्रीनिंग इंटरव्यू का जो आपका प्रिपरेशन ऑफलाइन कोर्स है उसकी 4000 फीस होगी और जो थ्रू जूम होगा उसकी फ़ीस जो है वो 6000 होगी। तो दो हैं, यानी कि ऑफलाइन आपका यानी कि जो लेक्चर्स बेस्ड कोर्स होगा उसकी फ़ीस जो है वो 4000 है और जो थ्रू जूम ज्वाइन करेंगे उसकी फ़ीस जो है वो 6000 होगी। तो आज से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। जिनके इंटरव्यू हैं वो आज ही अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जो भी उनको मोड ऑफ कम्युनिकेशन बेटर लगता है, जो भी ऑप्शन लगता है लर्निंग के लिए, वो थ्रू ऑफलाइन लेक्चर्स कोस्ट है जो हमारी वेबसाइट www.harvardacademy पे अवेलेबल होगा, और या जूम के ज़रिए से आप सेशन लेना चाहते हैं वो भी आपको तरीक़ाकार हम बता देंगे। तो आज हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, जो इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।